किसान पेट्रोल को फंस के कैसे लगा, फंस के कैसे लगता है। हसनी भी बढ़ाई नहीं वापसी रखी साथ बताएं कैसा था एक्सपीरियंस गाड़ी फंसाने का। सर बेहतरीन एक्सपीरियंस था, बड़ा सीखा हमने, टायरों में आवाज ज्यादा थी, कम करनी थी। तो ये आपने चेक किया? बटन हमने चेक नहीं किया। सच्ची स्टोरी सुनाइए, ये कोई स्टोरी है? सच स्टोरी ये है, इनॉग्रेशन किया उन्होंने अपनी गाड़ी का, लोगों से उन्होंने धक्के लगवाने थे गाड़ी को, जानबूझ के आके उन्होंने रेत के अंदर रोका है। ये मेड श्योर कि जो लोग भूखे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, रेत के अंदर कुछ करे, नई गाड़ी है ताकि पता नहीं लोग सब आगे देखे गाड़ी को। सर अटेंशन लेनी थी, अटेंशन हमने ले लिया, कामयाब हो गए। सब अटेंशन दरमियान में जब तक ये ट्रिप खत्म नहीं होगा सब लोग बार बार मेरा जिक्र करेंगे, यही अटेंशन चाहिए होती है इंसान को। आधा घंटा आपने रोड पे खड़ी रखा सारा? बिल्कुल सर ऐसे ही है, भूख को पीक पे पहुंचाया है और उसके बाद अब नाउ दैट टेस्टी फूड इज बीइंग सर्व, आप देखें खाना आएगा लोग खाएंगे। ये तो फॉरएवर हम करेंगे ना, नेक्स्ट ट्रिप तक जब कोई और यू नेक्स्ट बकरा। ये कौन सा वाला शायद है वो जिसने निसार पेट्रोल, एक फंसाने वाला एक बैठने वाला, जो कोई बात है तो सारे। मौसम बहुत जबरदस्त है, अच्छा कंपनी बहुत आला है और कैमरामैन की तो मैं कहता हूँ जवाब ही नहीं, ऊपर से जाता हूँ और साथ में कबाब। आप बताएं आप कैसा चल रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं इतने बड़े ग्रुप के साथ आया हूँ, अच्छा डेजर्ट के अंदर, एंड बहुत ही जो है ना एक्सेप्शनल, आई थिंक सबसे अच्छी जो एक्सेप्शनल बात है दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, जिन जिन लोगों के साथ आए ना, वरना इट कैन बिकम अ डिजास्टर एज वेल, बट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इट वेरी वेल, बहुत ही जो है ना जब मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था ना, तो बजाय इसके कि मैं फॉलो करता मैं लीड करना शुरू हुआ था, वो हमें आगे बताता था। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप पहली दफा में ही 100% क्लैरिटी क्लियर होकर निकल आते तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलना था कि भाई ये वो लोग होते हैं जो ये आईटी के वो लोग होते हैं जो अपने बग को फीचर बना के बेचते हैं, मतलब बगैरती पे तुमने शर्मिंदा नहीं होना। तो मैंने फिर मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने और सीखा। सर कुछ बताएं कैसे चल रहा है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? हाउ ऑफन डू यू कम हियर? एट लीस्ट फोर टाइम्स अ ईयर। फोर टाइम्स अ ईयर ऑब्वियसली दिस सीजन। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कमिंग इन द सीजन या यू बीन हियर फर्स्ट टाइम? इक्विपमेंट तो बहुत वैसी रखी हुई है, ये उमर भाई का काम है। अच्छा अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं आते, मेहरबानी है ऊपर से कामी की मेहरबानी है, हम सब का लोन बर्दाश्त करते हैं बेचारा। हाँ जी आपके क्या दासवाद रहे चाय के बारे में? ये देखिए सर चाय की शक्ल तो दिखाएं। सर मेरा चले नहीं सर, सर होने दे, पकने दे, पकने दे, अभी कच्ची है, कलर आ गया सारा कुछ ठीक है, थोड़ा पकने दे। आप सही इतना बहुत ही वैशी रंग निकले सर। और ये कितनी देर से बना रहे हैं आप? हाउ लॉन्ग इज इट बिन?
कितनी देर होगी? नहीं यहाँ पे कितनी देर होगी? यहाँ पे कितनी देर होगी? पंचायत बैठी थी, उन्होंने सोचा बनाने के लिए, उसके बाद हमने सोचा अगर चूल्हा ऐसी फारक किता है ऐसी कहते हैं कोल बनाने पे ले आओ, पक्षियां भी चलनिया ने थोड़ा सा चुको सर जी यार एडी गर्म मैं नहीं पी सकता भाई, मैं थोड़ी ठंडी करके पी जो गया थोड़ी जी ठंडी होने दे मेरा मुंह साड़ना तू और कोई गल नहीं पत्ती बार जाओ बस ना गंदी पेगा पियो मजा है कैमरामैन को दिए दीजिए सर, कैमरामैन थैंक यू सो मच। आई थिंक ढक्कन की जरूरत नहीं है, ढक्कन की जरूरत नहीं है। आपने 2 लीटर लगा था मुझे पानी, लीटर भी बहुत चीनी सामने पड़ी है, चीनी सामने पड़ी है बस बल्क में जो आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नजर आते हैं इजिप्ट के होते हैं। फाखर बहुत बड़ा ब्रांड था जो कि अब ब्लॉकेट के बाद यहाँ नहीं आता, बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसकी वजह से बड़े चेंज आए हैं लोकल शीशे मार्केट में। उसके अलावा फिर दूसरी बड़ी मार्केट अमेरिका की है, बहुत सारे मुलासिस, बेसिकली सारे मुलासिस बेस्ड होते हैं ये। माय गॉड, यू नो सो मच अबाउट शीशा यार, अच्छा प्लीज गो ऑन। आई नो सो मच अबाउट, आई एम द गॉडफादर ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। तो नॉट जोकिंग, तो बेसिकली दिस आर ऑल बेस्ड ऑन मुलासिस। कभी देखा है शुगर केन एक्सट्रैक्शन होती है आखिर मुलासिस, तो मोलासेस बेस्ड होते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स, अब उसके ऊपर फिर फ्लेवरिंग डाली जाती हैं। टोबैको नहीं होता इसमें, जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल उसे सुलूम कहते थे, दैट इज टोबैको बेस्ड, बट इन जनरल इन द मार्केट जो आप शीशा करें दिस इज नॉन रेफर्ड टू टोबैको बेस्ड, दिस आर ऑल फ्लेवर बेस्ड। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मिडल ईस्ट मार्केट में कम्पेयर टू अदर, मिडल ईस्ट मार्केट इज वेरी सिंपलिस्टिक इन देयर अप्रोच टू शीशा, दे डोंट हैव फ्लेवर्स लाइक बबल गम चेरी, सिंपल फ्लेवर्स हैं, मिंट इज डोमिनेंट, लेमन मिंट, ग्रेप मिंट, डबल एप्पल जिसे तुफा तैन कहते हैं, इनकी डोमिनेशन सिंपल फ्लेवर्स में। बाकी दुनिया में जो फ्लेवर्स होते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी, बबल गम तो फलाना तो ब्लू आइस तो ये तो वो, दीज गाइज कीप इट सिंपल कंपैरेटिवली। इक्विपमेंट 90% इज इजिप्शियन, ठीक है। मार्केट में जो आपको ट्रेडिशनल वाले नज़र आते हैं मोस्ट, मेरे ख्याल से 90% यहाँ पे पाकिस्तान में और यूएई में जो सारा सप्लाई होता है इजिप्ट से ही आता है सारा, जो बल्क सप्लाई वो इजिप्ट है। अच्छा, जो नीच मार्केट सप्लाई वो अलग अलग जगह से भी आता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होता है, ये फ्लेवर ऐसे नहीं आता, ये फ्लेवर रजिस्टर्ड होके आता है, तो आप ऐसे संभव। अच्छा बताएं इनकी टाइप अप्रूवल कहाँ से होती है? टाइप अप्रूवल कहाँ से होती है? दो इसके दो चीज़ें, इसका जो मेन हब है ना वो ये नहीं है, वो दुबई है। अच्छा, ये पहले रजिस्टर्ड होते ही दुबई में फ्लेवर है, तंबाकू क्लास में होता है कि किस तरह का है ये, मतलब इसकी एक टाइप होती है, इसकी एक चीज होती है जिसमें ये कैंसर वाली चीज होती है, उसके ऊपर भी देखेंगे तंबाकू ज्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा,
कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो उसका तो नहीं जा रहा है, नशे के अंदर तो नहीं जा रहा है, तंबाकू में जा रहा है, उसके बाद अप्रूव हो गया। तो आप थोड़ी सी सपोर्ट करें ना इनकी टाइप अप्रूवल लेने में, कह रहे हैं अपना रजिस्टर करा दे रहे हैं। पान इज साउथ एशियन इन्वेंशन। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के अलावा, बल्कि इंडिया से आता है पान फ्लेवर्स। आई थिंक शुरू वहीं से बताएं। एग्जैक्टली वहीं से आता है, उनको क्या पता पान क्या चीज है। तो पान फ्लेवर है, यू एवर सॉ हुक्का, जो हमारे ट्रेडिशनल हुक्का होता था घरों में, तो वो दैट इज टोबैको बेस्ड। दिस इज एवरी एंशिएंट ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड हैज सम फॉर्म ऑफ टोबैको स्मोकिंग। हमारे यहाँ मिडल ईस्ट में बिकॉज ऑफ आर प्रॉक्सिमिटी हुक्का था, इनके यहाँ हुक्के से फ्लेवर्स पे आ गए। हमारे यहाँ फ्लेवर्स इवेंचुअली यहाँ से फिर फ्लेवर्स हमारे यहाँ भी आ गए। इट्स जस्ट सिंपल एंड स्ट्रेट, लोगों को किसी ना किसी फॉर्म में टोबैको चाहिए। कोई बात नहीं सर, दैट्स इट, छोटा सा सिंपल शीशा। अच्छा साथ मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे एक बात बोला और ले आ गया अमित, ये इफेक्ट आएगा, इसे इफेक्ट आ रहा है, हमें कोयला पकड़ लेना चाहिए। अच्छा साहब मुझे एक बात बताएं, ठीक, शीशा पीने के बाद आप कैसा फील करते हैं? तो अगर आप पहली बार पी रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपको चढ़ गया, लेकिन अगर आप बार बार पी रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि क्या हुआ। आपको हर बार ज्यादा लगाना पड़ता है शीशा? नहीं, वही फीलिंग देने के लिए। आप जिस फीलिंग की बात करें वो बिल्कुल नहीं आपको मिलेगी इसमें। अच्छा, ट्रेडिशनली विच बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, शीशा इज अ सोशल एक्टिविटी, दे वुड ऑलवेज बी हैव अ शीशा इन अ ग्रुप। तो आप जैसे आप मजलिसें और बैठक देखें आप कतर में, जितनी भी आपको नजर आती हैं, दे वुड हैव शीशा, इट्स अ सोशल एक्टिविटी। अकेले बैठ के सिर्फ मिस्री और सुडानी पीता है। अगर ये शीशा ना हो, मेरे ख्याल से पिछली दफा यही पिया शीशा, अकेले पीना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इज राइट, अनलेस तो अकेले पीते ना, नहीं एक टाइम पे एक बंदा पी सकता है, अब रिकॉर्डिंग में तो अकेले नहीं पी सकता। नहीं पर आपने तो पहले ही कहा था कि आप अकेले शीशा, आप एक दिन जियो के साथ बना रहे हैं, आप तोड़ मोड़ के नाम दे रहे हैं। और इसके बाद सुना, आप ब्लैकमेल करेंगे इन वीडियोस के साथ सबको, ऐसा ही एक्सीडेंट। इधर एक ग्रुप बैठा हुआ है, अब आप कंटिन्यूअसली नहीं अब मुझे कौन सा समझ आया, इससे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चीज पी रहे हैं। असल में ये जो पानी की गुड़गुड़ हो रही होती है ये मॉल में आती है, सेहरा में जब आप बैठे हुए हैं रात के, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आ रही है, और एक आवाज आती है गुड़ 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 गुड़, एक तरफ आपको समंदर की आवाज आ रही है और दूसरी तरफ कौन सा समंदर है, ऐसी आवाज निकाल रहा है, चापे कबाब और उसके बाद फिर शीशा। तो ये मतलब जो है दुबाला कर देता है, जो ये जो सहरा की खामोशी है उसमें ये जो हुक्के की गुड़गुड़ है, ये एक ऐसा शायराना माहौल पैदा करती है कि जिसे आप खूब एंजॉय करते हैं। कैसे पकड़ी आपने मछली? वेरी नाइस भाई, ग्रेट कैच, ग्रेट कैच। दांत देख रहे हैं बहुत ही फोकस कर रहे हैं ना, दांत ठीक ठाक बड़े, बहुत बड़े दांत हैं और जिस शेप और इसके ना ये बहुत वो
वाकई शार्प होंगे जो हाथ ला के लगा के देख आप लगा के ना आप चाय पी ना नहीं नहीं वो उसके अंदर हाथ मुंह के अंदर हाथ लाइव इंटरव्यू में जो है ना और थोड़ा सा जॉब करके क्यूम खोल लेते हैं ना नदी के तो अंदर से ही उठवा सुशी कौन खाता है ना आप खाते हो वही चीज बनेगी स्मोक मीट जो स्मोक मीट होता है वो बनेगा ये वेल वेल डन नहीं होगा एक आप इसको निकालना चाह रहे हैं 1600 मैं आपकी मदद कर दूंगा खा ले पहले wrap up Kamran, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Awesome. Now I'm a bit sleepy. अच्छा. Overall it's awesome. Food, amazing time, great friends. Thank you very much for coming. Thank you very much, sir. कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? It was good. Thank you so much for inviting us. Thank you so much. गालियों को टफ टाइम देगा. Hello. वो भी अंग्रेजी तो मैं ये बता रहा था कि दिन में जितनी मैं अंग्रेजी गड्डी करता रात को निकलती है थैंक यू सो मच